नमस्कार, मैं प्रिया। साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक रोजगार समाचार में हम आपसे बात करेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट, TNU, SRB, HPCL, OSSC, पटना हाईकोर्ट, HP फिशरीज डिपार्टमेंट, DPAR, IOCL, RPCAU, OSSC, जिपमर और FCI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 54 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 डिग्री या डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस में या फिर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में और टाइपिंग का और अच्छा ज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹500, SC ST PWD को ₹250 देने होंगे। आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप karnataka.judiciary.kar.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे तमिलनाडु यूनिफॉर्म्ड सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड TNU SRB की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 444 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन और स्टैंडर्ड मेजरमेंट हाइट और चेस्ट का होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 30 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को ₹500 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। आखिरी तारीख 7 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.tnusrb.tn.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर ऑफिसर, चीफ मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास एमटेक या एमई या पीएचडी में डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो लगभग 50 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को ₹1180, SC ST PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.hindustanpetroleum.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 54 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 सर्टिफिकेट कोर्स हैंडलूम वीविंग और डाइंग में होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 20 से 32 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 20 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ossc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 129 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 पास और इसके साथ ही अच्छा ज्ञान अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। वहीं सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो पुरुष के लिए 18 से 37 साल है और महिलाओं के लिए 18 से 40 साल है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS के लिए ₹1000, SC ST OH के लिए ₹500। आखिरी तारीख 29 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है फिशरीज फील्ड असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 16 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक पास होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 45 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप himachal.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पुडुचेरी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टेनोग्राफर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 35 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 और बेसिक कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। इसके साथ ही शॉर्ट हैंड और टाइपिंग अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 32 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.dpar.py.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।
इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 4 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास डिप्लोमा केमिकल में या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में या फिर BSc मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रेलेवेंट वर्क ऑफ एरिया में होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 26 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹150, SC ST EWS और PWBD EXSM को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 29 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.iocl.com पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी RPCAU समस्तीपुर बिहार की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंट्रोलर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 26 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 और शॉर्ट हैंड अंग्रेजी में या हिंदी में 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग अंग्रेजी हिंदी में 30 से 25 वर्ड पर मिनट और मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 40 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट कंट्रोलर में UR OBC EWS को ₹1,000, SC ST PWD और फीमेल को ₹500 देने होंगे और जूनियर स्टेनोग्राफर में UR OBC EWS को ₹500, SC ST PWD और फीमेल को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 27 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.rpcau.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सब इंस्पेक्टर एक्साइज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 87 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन में डिग्री होना जरूरी है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 38 साल के अभ्यर्थी इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC को ₹200, SC ST PWD को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 22 अप्रैल 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ossc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमर पोंडिचेरी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों कुल संख्या 264 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 साइंस में या फिर डिग्री या डिप्लोमा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में या फिर बैचलर्स डिग्री मेडिकल लैबोरेटरी साइंस में 2 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ या फिर ग्रेजुएट सिविल में इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस या फिर 10+2 साइंस के साथ और डेंटल मैकेनिक कोर्स में या फिर डिप्लोमा एनेस्थीसिया में या फिर 10+2 टाइपिंग के साथ हिंदी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड और अंग्रेजी में 35 वर्ड पर मिनट होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम 35 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR EWS OBC को ₹1,500, SC ST को ₹1,200, PH को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 30 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप zipper.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम आखिर में बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट जनरल मैनेजर मेडिकल ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 87 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री लॉ में, एग्रीकल्चर में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में या फिर CA MBBS 3 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम 28 साल और अधिकतम 35 साल है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR OBC EWS को ₹1,000, SC ST PWD और महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.fci.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही साप्ताहिक रोजगार समाचार में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।